कृषि दर्शन कार्यक्रम देखे वाला किसान लग भाई लोग के गोर लगे थी। किसान भाई लोग, हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। किसान भाई लोग, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बकरी पालन के जो कार्यक्रम है, चाहे व्यवसाय जो चल रहा है, वो प्राचीन काल से चल रहा है। खास करके निर्धन वर्ग के जो लोग हतन, मजदूर वर्ग के लोग हतन, जो सीमांत किसान हतन, वो बकरी पालन करके अपना आजीविका के निर्वहन करे हतन। बकरी पालन अगर वैज्ञानिक विधि से कल जाए तो आज के जे तरह से बकरी पालन करे हतन, ओकरा तुलना में उनका ज़्यादा ऐसे लाभ प्राप्त हुई, ज़्यादा आमदनी प्राप्त हुई। वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन कैसे कल जाए, ये विषय पर आज हम अपने सके जानकारी दिया के प्रयास करब। ये उद्देश्य हम हलती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में, आ हमारा साथ में हतन एक वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नियंत्रित पदाधिकारी हतन ये पशुधन इकाई में, तो इनका बहुत बहुत स्वागत करें। सबसे पहले तो हम अपने से ही जाने के चाहत हती कि अभी जो बकरी पालन के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, जो किसान करे हतन, जो मजदूर करे हतन, चाहे निर्धन के लोग करे थे, वो तो पारंपरिक विधि है। वैज्ञानिक विधि में या पारंपरिक विधि में का अंतर बा? अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान भाई लोग या पशुपालक जो हतन, बकरी पालन करे वाला लोग, वैज्ञानिक विधि अपनाई हतन, तो उनका ज़्यादा लाभ कैसे हो? जो आपका पारंपरिक तरीका है उसको छोड़ करके अगर आप वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन करेंगे तो आपका मुनाफा निश्चित रूप से बढ़ेगा, बकरी का जो मृत्यु दर होता है वो कमेगा और किसान ज़्यादा खुशहाल होंगे। कौन कौन प्रजाति बिहार के परिप्रेक्ष्य में, चाहे उत्तर बिहार में, इस क्षेत्र में ज़्यादा लाभदायक है बकरी पालक के लिए, ओकरा बारे में अपने से जानकारी चाहब। और आवास व्यवस्था, ओकर भोजन के व्यवस्था, इस सब पर बारी बारी से अपने जानकारी चाहब। सबसे पहले प्रजाति कौन है जो ज़्यादा लाभदायक है इस क्षेत्र के लोग के लिए, ओकरा बारे में कोई जानकारी दे जाए? जी बिल्कुल, बकरी के लिए बहुत सारा प्रजाति है बकरी फार्मिंग करने के लिए। जैसे नॉर्थ बिहार में ब्लैक बंगाल का ब्रीड है, बारबरी है, जमुनापरी है, उस्मानाबादी है, बहुत सारे नस्ल हैं। लेकिन मीट के लिए, मीट उत्पादन के लिए, जो कि जिसके लिए बकरी पालन सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, उसके लिए जो ब्लैक बंगाल का नस्ल है वो सबसे ज़्यादा फिट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपका यहाँ जो उत्तरी बिहार में जो भी नस्ल उपलब्ध है ब्लैक बंगाल का, वो क्रॉस हो गया है, क्योंकि इसलिए वो प्योर फार्म में नहीं है। तो जब भी आप फार्मिंग शुरू करेंगे, एक बड़ा फार्म खोलेंगे, तो आपको उसमें प्योर ब्लैक बंगाल का ब्रीड चाहिए। अगर आपके पास ख़रीदने जाइएगा तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन उसका एक तरीका है कि आप जब भी फार्मिंग शुरू कीजिए तो आप जो ब्लैक बंगाल से मिलता जुलता नस्ल है उसको आप लेके आइए, लेकिन अपने फार्म में मेल जो है नर बकरी है उसको प्योर ब्लैक बंगाल रखिए, और वो जनरेशन टू जनरेशन, तीन जनरेशन में लगभग प्योर हो जाएगा। तीन जनरेशन के लिए आपको करीब 1.5 से 2 साल समय लगेगा और फार्म में आपको प्योर ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरी मिल जाएगा। ब्लैक बंगाल एक्चुअली अंग्रेज लोग इनका नाम रख के गए। पहले जो बंगाल प्रोविंस था, जिसमें अभी का वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारा बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट था। और ये जो ब्लैक बंगाल है वो ये सारे एरिया में ही पाया जाता है, और ये मीट के लिए सबसे बढ़िया ब्रीड है। ब्लैक बंगाल का एक और भी फायदा है कि चूँकि ये इसी ब्रीडिंग बेल्ट का है, यहीं इसका उत्पत्ति हुआ है, करीब 1000 साल से ये ब्रीड कर रहा है यहीं पर। तो जो भी जलवायु परिवर्तन का जो असर हो रहा है वो दूसरे स्टेट के या दूसरे कंट्री का जो बकरी है उसको ला के अगर यहाँ पालेंगे तो उस पर ज़्यादा असर होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर सबसे कम होगा इस ब्लैक बंगाल के ब्रीड पे, चूँकि यहीं का ब्रीड है। इसके वजह से इसमें काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप हो गया है। इसका एक और फायदा यह है कि यह साल में 2 बार बच्चे देती है, और कभी भी ये एक बच्चा नहीं देती है, हमेशा 2 या अधिक से बच्चा देगा। तो आपका बहुत कम समय में फार्म आपका बहुत तेज़ी से फैलेगा, और उतना ही आपका प्रोपोर्शनेटली आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। बहुत से हमारे जब बकरी पालक किसान हतन, तो वो बकरी पालन के जब कार्यक्रम शुरू करे हतन, कुछ ब्लैक बंगाल रख लेन, कुछ स्थानीय किस्म रख लेन, सोनपुर मेला वगैरह से कभी बीटल ले लन, कभी बरबरी ले लन, कभी साथ में जमुना पारी ले लन, तो एक तरह से मिश्रित बकरी पालन के कार्यक्रम शुरू करे हतन, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ तो उनका न हो, तो ये विषय में कुछ अपने के मार्गदर्शन चाह। देखिए, जब भी आप मीट के लिए बकरी पालन शुरू करें तो अगर आपको शुरू में प्रॉब्लम हो रहा है कि ब्लैक बंगाल के प्योर ब्रीड नहीं मिल रहा है, तो आपका स्थानीय जो भी ब्रीड मिलता है वो खरीद लें, और आप मेल रखिए, नर रखिए प्योर ब्लैक बंगाल का, वो आपको किसी भी रिसर्च स्टेशन से प्राप्त किया जा सकता है, और उसको ब्रीडिंग कराइए। उसका अगला जनरेशन 50% से ज़्यादा प्योर हो जाएगा। उसके बाद उसका एक जनरेशन और अगर प्योर क्रॉस कराते हैं ब्लैक बंगाल से, तो वो 75% प्योर हो जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन अगर क्रॉस कीजिएगा तो 90% से अधिक प्योर हो जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें कि हमको प्योर ब्लैक बंगाल ही ख़रीदना है,
आप मेल ब्लैक बंगाल रखिए, वो आपका करीब 2 साल के अंदर आपका फॉर्म में करीब 90% जो जनरेशन आएगा वो ब्लैक बंगाल हो जाएगा। जो भी बकरी आपको लगता है कि ब्लैक बंगाल नहीं है या जिसका प्रोडक्शन बढ़िया नहीं है, ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है, बीमारी हो रहा है, आप उसको अपने फार्म से छाँटते जाइए और 2 साल के अंत में आप इस पोजिशन में आ जाइएगा कि आपके अपने फार्म में जैसे 100 बकरी का अगर स्ट्रेंथ है तो करीब 40 या 45 एक मदर स्टॉक बना के रखिए जो कि प्योर ब्लैक बंगाल की मादा बकरी हो जो कि बच्चे देने के लिए जिसको रखेंगे, और उसके बाद जो आपका फार्म इस्टेब्लिश होगा वो ऑलमोस्ट प्योर ब्लैक बंगाल का होगा और उस समय आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। कहल गया है कि गरीब के गाय है बकरी, तो बहुत लोग दूध के लिए भी बकरी पालन करते हैं, तो दूध के अगर उत्पादन लेवे के अगर समस्या है किसान के सामने तो कौन सा आज प्रजाति हुई जो ज़्यादा लाभदायक हुई उनका? हाँ जी बिल्कुल, ये बकरी पालन हम लोग मुख्यतः मीट के लिए ही करते हैं और जैसा कि बताया उसके लिए ब्लैक बंगाल या बारबरी का नस्ल बढ़िया है, लेकिन अगर आप दूध उत्पादन के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं, हालांकि दूध का आपको रेगुलर मार्केट नहीं मिलता है, फिर भी अगर दूध के लिए करना चाहते हैं बकरी पालन तो जमुनापारी का ब्रीड जो है, बड़ी कान वाली जो ब्रीड है वो दूध के लिए सबसे फिट है और वो एक प्रत्येक वयस्क बकरी आपको लगभग आधा लीटर दूध प्रतिदिन मिल सकता है जमुनापारी से। शुरुआत कैसे कर जाए? कोई बेरोजगार अगर हमारे नवयुवक हतन शुरू करके चाहिए तन, कोई किसान अगर सहायक व्यवसाय के रूप में करके शुरू करके चाहिए तन, तो शुरू शुरू में आवास व्यवस्था ओकर कैसन हुई, फिर वो कहाँ से बकरी के ले हैं अपना पालन करे के लिए आ ओकर भोजन वगैरह व्यवस्था कैसे करिए, तो ये विषय पर क्रमवार जानकारी दे जाए। जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आप। सबसे पहले ज़रूरी है कि सही नस्ल का चुनाव कीजिए, आपका टारगेट क्या है, आप मीट के लिए पालन करना चाहते हैं तो जब ब्लैक बंगाल की बकरी रखिए, अगर आप दूध के लिए शुरू करना चाहते हैं तो जमुनापारी की बकरी रखिए, अगर आपको शुरू में प्योर ब्रीड नहीं मिलता है तो जो भी क्रॉस ब्रीड ही है उसको ही रखिए और फॉर्म में मेल रखिए, मेल में करीब 10 बकरी पे एक बकरा निश्चित रूप से रखेंगे, इसी रेशियो में रखना चाहिए। इसके खाने के लिए हम लोग जानते हैं चूँकि ये कि जैसे गरीबों की गाय है तो हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत कम शुरुआती कम से कम खर्च में हम बकरी पालन करें, उसके लिए दाना जैसे गाय का जो दाना सुपर सुधा या कपिला पशु आहार है वो भी दे सकते हैं या आप अपना घर में दाना बना सकते हैं। दाना बनाने के लिए आप करीब 50% अनाज लें, उसमें गेहूं, मकई या कोई भी मोटा अनाज हो 50% लें, उसका दर्रा दर लें, उसमें करीब 20% चोकर मिलाएं, करीब 20% दाल चुन्नी या फिर जो भी कैटल फीड ग्रेड का दाल है उसको मिलाएं, करीब 5% के आसपास उसमें केक मिलाएं, ऑयल केक, कोई भी सरसों का खल्ली या तीसी का खल्ली, उसमें 2% नमक डालें और 2% मिनरल मिक्सचर डालें और इससे आपका एक सस्ता और बढ़िया दाना तैयार हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये दाना हम सारे बकरियों को नहीं देंगे, जो हमारा टारगेट ग्रुप है जैसे जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं एडवांस प्रेगनेंसी में उसको हम ज़्यादा मात्रा देंगे, या जो मेल है जिसको खसी बोलते हैं, कास्टेट करके रखते हैं बधिया करके, जिसको कि हम मीट के लिए बेचेंगे उसको देंगे। दाना देने की मात्रा एक वयस्क बकरी को करीब 200 से 250 ग्राम देंगे और जो किड्स हैं जिसको कि हम कास्टेट करके रखते हैं बधिया करके जिसको खांसी बनाने के लिए, उसको शुरुआत में करीब 100 ग्राम डेली देंगे और अगर उसका वजन अगर 15 किलो से ऊपर होता है तो उसको 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन दाना देंगे। लेकिन दाने के साथ आपको हरा चारा का भी व्यवस्था करना होगा, जो भी सीजनल चारा है उसका भी उत्पादन कीजिए। आप जब भी बकरी पालन प्लान करते हैं तो आपके पास जो भी ज़मीन उपलब्ध है उसका 1/3 भाग आप शेड के लिए रखें, शेड आप बिल्कुल जो रिकमेंडेड शेड है वो ही बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास जो भी शुरुआती में साधन उपलब्ध हो शेड के लिए आप उसी में स्टार्ट कीजिए और उसका 2/3 भाग आप खुला स्पेस छोड़ दीजिए जहाँ पे बकरी घूमेगी और जिसमें आप चारा लगाएंगे। चारा के साथ आप चारा पेड़ भी लगाएं, जो भी आपका खाली स्पेस है उसमें फोटो ट्री जिसको बोलते हैं, जैसे सुबबूल है, जलेबी है, बरगद है, पीपल, चूँकि ये सब का पत्ती जो है चारा के रूप में इस्तेमाल होता है बकरी पालन के लिए। और हम ऐसा देखते हैं कि जो भी बकरी जो पालक हैं अगर वो पेड़ की पत्तियाँ उपलब्ध कराते हैं हरा चारा के रूप में तो ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़िया होता है। तो जब भी आप प्लान करें आपका जो 2/3 खाली स्पेस है उसमें आप लाइन से कोई भी फोटो ट्री, जलेबी, बरगद या सुबबूल जो भी आप लगा दें, बीच का जो खाली स्पेस बचेगा उसको आप हरा चारा उत्पादन के लिए इस्तेमाल करें। हरा चारा में जो ठंडा समय का हरा चारा है वो बरसीम मेस्कावी वैरायटी का या वरदान वैरायटी का बरसीम इस्तेमाल करें अपने चारा उत्पादन के लिए और साथ में जई
केंट वैरायटी का जई लगाएं। मकई आप पूरे साल लगा सकते हैं, चारा के लिए अफ्रीकन टॉल मकई सबसे बढ़िया है, उसका आप पूरे साल आप उगा सकते हैं। गर्मियों में बरसात का जो सीज़न होता है उस समय का चारा मल्टी कट ज्वार है या हाइब्रिड नेपियर है, उसका उपजाएं। और जब भी आप हरा चारा का आप इस्तेमाल करेंगे बकरी पालन में तो आपकी बकरियों का ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़िया होगा, बीमारी कम आएगा, प्रजनन संबंधी बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं वो काफ़ी कम हो जाएगा और आपको बकरी पालन से होने वाला लाभ काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे बकरी पालन में प्रजनन के भी एक समस्या हुई थे, जैसे अन्य पशु में हुई थे वो तरह से, तो प्रजनन काल जेकर हुई तो ओकरा विषय में हम अपने से जानकारी चाहब जे कौन कौन महीना में, जैसे पशुपालन वैज्ञानिक लोग के ये सलाह है कि खास महीना में ही पाल दिलावे के चाहिए, साल में दो बार कम से कम, तो कब कब पाल दिलावे के चाहिए और कब कब पाल दिलावे से बचे के चाहिए, जे महीना में पाल ना दिलावल जाए जब बच्चा ऐसा समय में पैदा हो जाए जब ठंडा का असर ज़्यादा हो जाए चाहे बीमारी का असर ज़्यादा हो जाए, तो पाल कब दिलावे के चाहिए एक समस्या। और दूसर समस्या ये कि अगर गर्म ना हुई थे बकरी, जैसे अन्य पशु हुई थे समस्या वही थे, तो दू समस्या पर आपसे जानकारी चाहब जो कब कब पाल दिलावे के चाहिए, अगर बकरी गर्म ना हुई थे तब का किसान के चाहे पशुपालक करे के चाहिए। जी देखिए, बकरी का गर्भकाल 150 दिन का, जिसको हम लोग करीब 5 महीने का होता है, और साल में ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है जिस समय आप उसको पाल खिलाइए, इसके लिए पूरा साल पाल खिलाने के लिए सही है। पाल खिलाने में समस्या कई बार आता है कि बकरी को आप बार बार पाल दे रहे हैं वो कंसीव नहीं कर रही है, तो ये बहुत सारा प्रजनन संबंधी समस्या आता है। इसका प्रमुख कारण है कि आप मिनरल और विटामिन का कमी है या पेट में कीड़ा है, तो अगर आप सही समय में मिनरल मिक्सचर, हरा चारा, पेट के कीड़ा का इस्तेमाल, दवा का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब समस्या काफ़ी हद तक कम जाएगा। उसके बाद भी अगर गर्म नहीं हो रही है बकरी तो प्रत्येक बकरी को सबसे पहले आप कीड़े की दवा दें, कीड़े की दवा साल में 3 बार निश्चित रूप से दें, यानी प्रत्येक 4-4 महीने पे। इसके लिए बाज़ार में उपलब्ध बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे फेंटास प्लस की गोली है, वो एडल्ट को 2 गोली दें प्रत्येक 4-4 महीने पे। उसके अलावा जब भी बकरी जब पाल खाने लायक हो तो उसको करीब 25 से 30 ग्राम उसको मिनरल मिक्सचर हम प्रतिदिन देंगे, हरा चारा की उपलब्धता को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हरा चारा उपलब्धता बढ़ाइएगा तो उससे ज़्यादा मिनरल और विटामिन उसके बॉडी को मिलेगा और जो भी प्रजनन संबंधी समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। भोजन के बारे में अपने के सलाह बहुत बढ़िया रहल, अब दो तरह के भोजन के व्यवस्था हमारे बकरी पालक करे हतन, एक ज़्यादातर तो खुलल चलो चढ़ो हेतन बाहर में ले जाके ओकरा के घुमा के बकरी पालन करे हतन, आ जे ज़्यादे पैमाना पर बकरी पालन करे हतन वो ओकरा के अपना घर में रख के बकरी पालन करे हतन, जे घर में बकरी पालन करे हतन जे बाहर जकरा निकले के व्यवस्था न है बकरी के, तो घर के अंदर ओकर हरा चारा के व्यवस्था, दाना के व्यवस्था कोना अनुपात में हुई कैसे हुई ये विषय में जानकारी चाहब, आ जे खुलल जे बाहर में जे बकरी चढ़ाई थे तो उसमें ज़्यादा समस्या ना हुई थे, तो दोनों के बारे में कुछ बतावल जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जैसे हम, मेरे पास बाहर में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो हम स्टाल फीडिंग करा सकते हैं उसको। स्टाल फीडिंग में हरा चारा आपको उपजा करके उनको और दाना उसके घर में ही देना पड़ेगा, उसके लिए प्रत्येक वयस्क बकरी करीब करीब 2 किलोग्राम हरा चारा उसको उपलब्ध होना चाहिए प्रतिदिन, और दाना करीब 200 से 250 ग्राम। एक सेमी इंटेंसिव सिस्टम है कि आप घर में भी स्टाल फीडिंग करा रहे हैं और उसको दिन के करीब 3-4 घंटे उसको बाहर भी चरने के लिए भेज रहे हैं, वैसे कंडीशन में आप हरा चारा की मात्रा और दाना की मात्रा कम कर देंगे। जो भी सेमी इंटेंसिव सिस्टम है जिसमें कि रात के टाइम में बकरी घर में रहती है, दिन के टाइम में बाहर खुलती है, ये हमारे परिवेश के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बकरी फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा बकरी का एक्सरसाइज भी हो जाता है, इससे बीमारी जो भी होता है वो काफ़ी कम जाता है। तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम में आप बकरी को सवेरे में खोलने से पहले आप उसको जो अनाज है जिसको दाना बोलते हैं आप करीब उसके आधी मात्रा दे दें, उसके बाद उसको बाहर चरने के लिए भेज दें, जब वापस घर में आता है शाम के टाइम में तो उस समय जो बचा हुआ आधा अनाज का मात्रा है वो उसको दे दें। पानी पीने का व्यवस्था आप निश्चित रूप से अपने फार्म को अंदर करके रखें, ऐसे बकरी पानी बहुत कम पीती है, फिर भी आप साफ पानी 24 घंटा उसको उपलब्ध कराएँ, और कोशिश करें कि बाहर चरने जाती है तो तालाब या नाली का गंदा पानी नहीं पिए ताकि संक्रमण से बच सकें। अब बकरी पालन के जो प्रमुख समस्या है रोग के बारे में, कुछ रोग के तरफ अपने के ध्यान हम चाहब, जाड़ा के दिन में बकरी के साथ ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई थे, जाड़ा के मौसम में बकरी के देखभाल कैसे कर जाए, जब पतला दस्त ओकरा लग जाए खास करके आम बीमारी है तो उससे छुटकारा बकरी के कैसे दिलावल जाए, एक परजीवी के प्रकोप भी ओकरा देह पर बाहर से हो जाए थे, चमड़ा के रुआ उड़े के समस्या उत्पन्न हो जाए थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण समस्या है, एकरा अतिरिक्त जो है एगो सर्दी के समस्या है नाक से पानी गिरे के। बकरियों में होने वाले बीमारियों में प्रमुख है पीपीआर, एक काफ़ी
मुश्किल भरा रोग है बकरी पालन में, और यही एक बीमारी है जिसके वजह से कई बकरी पालक बकरी पालन करना छोड़ देते हैं। इसका कारण है इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होना। ब्लैक बंगाल में PPR बीमारी काफ़ी नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण है मोरबीली वायरस है, यह वायरल डिजीज है। इस बीमारी का लक्षण है डायरिया होते रहना, डिहाइड्रेशन हो जाना, बॉडी काफ़ी सूख जाता है, नाक से आँख से पानी लार जैसा गिरते रहता है, और इसका इनक्यूबेशन पीरियड करीब 3 से 7 दिन का होता है। तो ये इस टाइप का लक्षण अगर आपके फार्म में एक बकरी में भी दिखाई पड़ा तो आप करीब 7 से 8 दिन के अंदर में वो सारे बकरियों में ये लक्षण दिखने लगेगा, चूँकि ये वायरल बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज कराना भी कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसलिए बकरी पालक जो है हतोत्साहित होकर के बकरी पालन करना छोड़ देते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का लक्षण दिखाई दे तो आप सारे बकरियों को फार्म से निकाल दें और उसको पूरा अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके कोई अल्कली से सोडियम हाइड्रोक्साइड या फ्यूमिगेशन करके पूरा रूम को साफ़ कर दें और 1 महीने के बाद नया लॉट लाएं। PPR बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है इसका टीकाकरण। नवंबर से दिसंबर के महीने में जो भी आपके यहाँ 1 महीना से ऊपर की जो भी बकरियाँ हैं वो सारे का PPR वैक्सीन करें। PPR का वैक्सीन हर जगह उपलब्ध है, इसके लिए चमड़ी में देने के लिए 1 ml PPR वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये हम लोग प्रत्येक साल उसको रिपीट करेंगे। अगर बकरियों को हम 1 साल से अधिक रखते हैं तो हम उसको प्रत्येक साल रिपीट करेंगे और इससे PPR का समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक खास समस्या है पतला दस्त हो के हाथ में कीड़ा हो के पेट में बकरी के, तो ओकर इलाज कैसे कर जाए? देखिए, बकरी के पेट में कीड़ा होना आम बात है और बकरी पालक शायद ही कभी कीड़े की दवा और मिनरल मिक्सचर बकरी को देते हैं। तो जो भी बकरी पालक हैं वो कीड़े की दवा साल में 3 बार यानी प्रत्येक 4-4 महीने पे निश्चित रूप से दे। बकरियों में बहुत तरीके का कीड़ा होता है, टेप वर्म, राउंड वर्म है, लीवर फ्लूक है और भी बहुत तरीके का कीड़ा है, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ गए। हम कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंथेलमिंटिक्स है कीड़े की दवा है उसको प्रत्येक 4-4 महीने पर देते रहेंगे तो कीड़े की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो भी पतला दस्त का समस्या है या समय से गर्म नहीं होना या पाल नहीं खाना या कंसीव नहीं करना, आँख से खींची आते रहना और ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो जाना, उसका स्किन में बाल झड़ने लगना, ये सब समस्या कीड़ों की समस्या है। तो साल में 3 बार अगर कीड़े की दवा उपलब्ध कराते हैं तो ये सब समस्या बहुत हद तक कम जाएगी। अपने के संस्थान में बकरी पालन बहुत वैज्ञानिक ढंग से चल रहा है। कोई अगर किसान चाहे जो बकरी पाले के इच्छुक लोग हतन वो प्रशिक्षण प्राप्त करके चाहिए हतन अथवा बकरी ले जाके चाहिए हतन अपने यहाँ से चाहे बकरा, तो वो में अपने के संस्थान से क्या मदद होगी उनका? जी हाँ, जिन किसान भाइयों को भी प्रशिक्षण का ज़रूरत हो तो हमारे संस्था में आ सकते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है और मेल बकरी उपलब्ध करा सकते हैं। चूँकि आप जब भी फार्मिंग करेंगे तो आप लोकल अपने आप आसपास से वहाँ फीमेल बकरी खरीद ले और जो नर बकरी है वो यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप ब्रीडिंग करा के आप अपना प्योर ब्लैक बंगाल का फार्म बना सकें। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लाइव स्टॉक यूनिट में अफ्रीकन नस्ल के बकरों से क्रॉस कराया जा रहा है, लेकिन यह भी अनुसंधान के स्टेज पे है। तो इसमें अफ्रीकन नस्ल के बकरा और बिहार का ब्लैक बंगाल ब्रीड को क्रॉस करा के एक नया नस्ल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। किसान भाई लोग, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन कैसे कर जाए एक विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी दिलन है। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर बकरी पालन के क्षेत्र में चल रहा है, जो किसान भाई लोग इच्छुक हतन बकरी पालन के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करे के लिए यहाँ आ सकें हतन, यहाँ देख सकें हतन, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें हतन आ जरूरत पड़ला पर यहाँ से नर बकरा भी प्राप्त कर सकें हतन। तो